Mountbatten Plan and Partition of India. On March 24, Viceroy Mountbatten presented his scheme. अब 24 मार्च को जो वाइसरॉय थे माउंटबेटन, उन्होंने अपनी जो भी स्कीम थी उसको सामने रखा. अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज नो अल्टरनेटिव अदर देन पार्टीशन ऑफ इंडिया. अब उनके अनुसार कोई और अल्टरनेटिव नहीं बचा था एक्सेप्ट कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाए. नेशनल एंड प्रोलिफिक लीडर्स लाइक सरदार पटेल अंडरस्टूड द मैटर. जो राजकीय तौर पर जो राष्ट्रीय लीडर्स थे, जो काफ़ी समझदार थे, वो लोग इस बात को समझ रहे थे. After many discussions and pondering, finally on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partition of India. बहुत सारे discussions हुए, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ. Finally, June 3, 1947 को जो Viceroy Mountbatten थे, उन्होंने decide किया कि India जो है उसका partition कर दिया जाए, उसका plan जो है कर लिया गया. This plan is known as Mountbatten Plan. इस plan को Mountbatten Plan कहते हैं. The Congress leaders and the Muslim League एक्सेप्टेड दिस प्लान. तो जो कांग्रेस लीडर्स थे और जो मुस्लिम लीग थे, दोनों ने ही इस प्लान को एक्सेप्ट किया. व्हेन माउंटबेटन प्लान स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड सिलहेट प्रोविंस ऑफ आसाम डिसाइडेड टू जॉइन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वर एफिलिएटेड विद इंडिया एज पर द डिसीजन ऑफ द असेंबली. जब माउंटबेटन प्लान जो है स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई उसको लागू करना है, तो जो लोग थे ईस्ट बंगाल के या सिलहट प्रोविंस के थे आसाम के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो हैं वो एफिलिएटेड थे इंडिया से, जैसा कि असेंबली में डिसीजन हुआ था. वेस्ट पंजाब ज्वाइन विद पाकिस्तान. जो वेस्ट पंजाब था वो पाकिस्तान से जोड़ दिया गया. इट वॉज डिसाइडेड टू एफिलिएट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान विद पाकिस्तान. फिर ये भी डिसाइड किया गया कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है जिसमें सिंध और बलूचिस्तान है, वो जो है पाकिस्तान की तरफ जाएंगे. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान. अब जैसा माउंटबेटन प्लान था उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया. अकॉर्डिंग टू दिस इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज माउंटबेटन एंड जनाब जिन्ना वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. इसके अनुसार इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे और जनाब जिन्ना जो थे वो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के. बाय दिस एक्ट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड. तो इस एक्ट के बाद से जो इंडिया की डिपेंडेंसी थी ब्रिटिश रूल पे वो खत्म हो गई. देयरफॉर गांधी जी कंसीडर्ड दिस एक्ट एज द वन एंड द ओनली बेस्ट एंड बेनिफिशियल एक्ट गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडिया. तो इसीलिए गांधी जी के अनुसार ये जो एक्ट था ये अपने आप में एक अकेला एक्ट था जो सबसे बढ़िया और सबसे फायदेमंद एक्ट था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को जो दिया गया. द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन इन न्यू दिल्ली एट द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14. तो जो आखिरी वॉइसरॉय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया न्यू दिल्ली में मिडनाइट यानी आधी रात को अगस्त 14 को. The Union Jack of England was brought down from the pole and the Indian National Flag tricolor was hoisted. अब ये जो Union Jack था England का, इसको उतार लिया गया और जो Indian National Flag था, तिरंगा जो था, उसे फहराया गया. The documents attributing independence to India were handed over by Mountbatten to Sri Rajagopalachari, the first Governor General of Independent India. अब जो भी कागजात थे जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो है इंडिया आज़ाद किया जाता है, वो माउंटबेटन द्वारा सी राजगोपालाचार्य को दिए गए, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले सबसे बड़े गवर्नर जनरल बने. एंटायर एटमोसफियर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट. सब लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे. एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज कम्प्लीटेड. पूरा जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी कि पावर को ट्रांसफर करना है, वो सब खत्म हो गया. अगस्त 15, 1947 वॉज एन एक्सीलेंट डॉन ऑफ फॉर इंडिया. तो 15 अगस्त 1947 की जो सुबह थी वो इंडिया के लिए सबसे खुशनुमा सुबह थी. ऑल सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस फेस्टिवल वेरी प्लेजेंटली एंड चीयरफुली इन द एंटायर कंट्री. तो सब ने जो है अपने जो पहला इंडिपेंडेंट फेस्टिवल था वो बहुत ही ज़्यादा उल्लास खुशी से मनाया पूरी कंट्री में. एवरीवेयर पीपल हंग टोरंस अ गुड ओमन ऑन डोर्स. स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स. मेनी पीपल हु हैड टेकन वाउ felt relieved on this fulfillment, but Gandhiji was shocked due to the partition of India and was therefore he was deeply plunged into grief and drifted into meditation. उसी तरफ पूरी कंट्री में जो लोग थे वो इतने खुश थे कि कुछ लोग जो हैं वो होते हैं तोरण, वो टांग रहे थे अच्छे शुभ अवसर के लिए.
दूसरा डोर्स पे स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बहुत से लोग जो हैं इस बात पे लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो फाइनली जो चाहा था वो हो गया। लेकिन गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा शौक थे इस इंडिया के पार्टीशन को लेकर, और इसी वजह से उनको जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो मेडिटेशन में चले गए। इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स ऑफ इट। इंडिया एंड पाकिस्तान टू सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द माउंटबेटन प्लान एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है दो सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस बने जो कि एग्जिस्टेंस में आए माउंटबेटन प्लान के नतीजे की वजह से और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ 1947 का उसकी वजह से। द रिजोल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैड टू बी फाउंड आउट। अब जो सामने प्रॉब्लम्स खड़ी थी उसका सोल्यूशन निकालना जरूरी था। रीऑर्गनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, दोबारा से मिलिट्री फोर्सेज को जो है रीऑर्गनाइज किया जाए। डिस्प्यूट्स ओवर एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो भी संपत्ति है जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर बंटवारा, उसके ऊपर लेकर मतभेद, डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, किसको कितना उधार किसको कितना जो है वापस देना है। प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, अब जो रिफ्यूजीज हैं उनको बसाना है, उनकी जो समस्याएं हैं। पब्लिक सर्विसेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, पब्लिक सर्विसेज जो हैं या जो अरेंजमेंट करना है सिविल सर्वेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का। डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया टू बी फिक्स्ड एट्सेट्रा, जो एक बॉर्डर होता है कि भाई एक लाइन लकीर खींच जाती है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के, उसको भी जो है फिक्स करना जरूरी था। अ फाइव मेंबर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ टू रिप्रेजेंटेटिव्स ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। एक पांच मेंबर्स की कमेटी बनाई गई जिसमें दो दो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया और पाकिस्तान के थे, और जब चेयरमैनशिप जो थी वो थी लॉर्ड माउंटबेटन की। द कमेटी अपॉइंटेड डिफरेंट कमीशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अब ये जो कमेटी थी इसमें जो है अलग अलग कमीशंस के जो लोग हैं उनको अपॉइंट किया गया जो एक्सपर्ट्स थे, और उनको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी थी ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जा सके। In case of any difference of opinion, both the nations admitted to accept the final decision given by an arbitrator consisting of one representative of India and one of Pakistan under the chairmanship of the former Chief Justice of India. अगर by chance किसी चीज़ को लेकर मतभेद होता है तो दोनों ही nations admit करेंगे कि वो final decision accept कर लेंगे जो भी arbitrator द्वारा दिया जाएगा, यानी कि उसमें जो है एक representative India का होगा, एक representative Pakistan का होगा, और जो chairmanship होगी वो former Chief Justice की होगी India की। Military Commandant General of India complied the partition of army, military weapons etc. अब जो military commandant general थे India के, उन्होंने जो है कहा कि जो partition है army military weapons का उसको भी होना चाहिए। The British army left India by 28 February 1948, जो ब्रिटिश आर्मी थी वो इंडिया छोड़ के चली गई 28 February 1948 को। ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री जुडिशरी वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज वेदर दे वुड सर्व इंडिया और पाकिस्तान। अब जितने भी ऑफिसर्स थे एम्प्लॉयज थे एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे मिलिट्री के हों जुडिशरी के हों, सबको ये मौका दिया गया कि वो खुद चुने कि वो किसको सर्व करना चाहेंगे, इंडिया को या पाकिस्तान को। दे वर गिवन एश्योरेंस अबाउट देयर पे अलाउंसेस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पेंशन एक्सेट्रा, और ये सबको जो है तसल्ली दी गई थी, एक तरह से एश्योरेंस किया गया था कि आपको पे भी मिलेगी अलाउंस भी मिलेगा, आपकी सर्विस भी सिक्योर रहेगी पेंशन भी मिलेगी। अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बोथ कंट्रीज माइग्रेटेड लीविंग देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं दोनों ही कंट्रीज से माइग्रेट कर गए अपने अपने घरों को छोड़कर प्रॉपर्टीज को छोड़कर। इंडिया सॉल्व द ट्रिमेंडस प्रॉब्लम ऑफ देयर रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन विद स्किलफुली एंड पेशेंटली। अब इंडिया ने जो अपनी प्रॉब्लम्स थी यहाँ की, वह दोबारा लोगों को बसाना और सही से रखना बहुत ही तरीके से और बड़े तसल्ली से उनको पेशेंटली हैंडल किया। दे द देन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल मर्ज्ड अबाउट 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया इनटू इंडियन यूनियन। उस समय के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे या जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो छोटे 562 छोटे और बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के अंदर, मतलब जहाँ पे अपने अपने राजा थे, उन सबको जो है एक इंडियन यूनियन में बांध दिया, मर्ज कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आयरन विल एंड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक दृढ़ निश्चयी होना, एक उनकी जो विल थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और साथ ही साथ जो एक डिप्लोमेटिक तरीका था निगोशिएट करने का, उससे सारी समस्याएँ सुलझ गईं। Yet long-term planning to find a solution to problems like effects of communal rights due to partition, the shock of Mahatma Gandhi's death,
to make independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere of peace and tranquility in the country, the internal, external security of the country, etc. become necessary. अब बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन निकाले जाएं. अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी कि ये जो दंगे थे हुए, कम्युनल राइट्स हुए थे पार्टीशन की वजह से, उनके जो असर हुआ उससे जो समस्याएं खड़ी हुई, महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपने आप आत्मनिर्भर बनाना, एक अच्छी गवर्नेंस देनी होगी, इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी कमज़ोर है, या एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां हर तरफ शांति हो, एक भाईचारा हो पूरी कंट्री में, जो अपने कंट्री की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा है उसको देखना, ये सब जो प्रॉब्लम्स थी अब इनको जो है सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल आशा एजुकेशन. बाय.